तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 40 फुट और 45 फुट का प्लॉट है दोस्तों, जो जिसमें हमने 3 BHK डिजाइन किया है डुप्लेक्स के साथ दोस्तों। और ये हमारा 1800 स्क्वायर फीट एरिया रहेगा और 200 गज का प्लॉट है दोस्तों। इसमें दोस्तों हमने 3 बेडरूम डिजाइन किए हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर पर रहेंगे। और दोस्तों ये हमारा मोबाइल नंबर रहेगा, अगर आप भी अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा मोबाइल नंबर रहेगा। अब दोस्तों चलते हैं हम प्लान की तरफ। दोस्तों ये हमारा जो है 40 फिट हमारा रेंट रहेगा और 45 फिट इसकी गहराई रहेगी। और दोस्तों फ्रंट पर इसके मेन रोड रहेगा, बाकी अदर साइड इसके अदर प्रॉपर्टी रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये हमारा मेन रोड रहेगा आगे की तरफ। अब दोस्तों चलते हैं हम प्लान अंदर, एंटर करेंगे घर में दोस्तों। तो ये हमारा मेन गेट आता है, आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा मेन गेट रहेगा जो कि 9 फिट बाई 19 फिट 8 इंच रहेगा दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक 19 फिट 8 इंच रहेगा और 9 फिट इसकी चौड़ाई रहेगी, जिसमें ये हमारी कार पार्किंग एरिया रहेगा दोस्तों। और ये 4 फिट वाइड की एंट्री रहेगी, आप देख रहे होंगे। और दोस्तों फ्रंट से हमने 7 फिट का ये सेटबैक छोड़ा हुआ है, जिसमें हमने ये लॉन भी दे रखा है और कुछ एरिया पे हमने इंटरलॉकिंग भी दे रखी है दोस्तों। दोस्तों इसमें जो एंट्री रहेगी वो हमारी 3 एंट्री रहेंगी, जो कि एक एंट्री ड्राइंग रूम से रहेगी बाहर से ही, और एक एंट्री ये एंट्री पॉइंट रहेगा हमारा बाहर से ही जो पार्किंग की तरफ से होगा दोस्तों। मेन एंट्री ये रहेगी हमारी, और एक एंट्री हमारी बेडरूम से रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों हम मेन एंट्री से चलते हैं, ये हमारी मेन एंट्री रहेगी। अब जैसे ही हम इसमें एंटर करेंगे तो ये हमारा डाइनिंग एंड फैमिली रूम आएगा, जो कि 21.5 फिट बाई 12 फिट का रहेगा, जो कि काफ़ी बड़ा रहेगा, जिसमें ये हमारा सोफा डला हुआ है दोस्तों, और ये डाइनिंग टेबल डली हुई है, और ये सामने टीवी लगा हुआ है। और दोस्तों ये हमारा स्टेयरकेस दिया हुआ है जो कि फर्स्ट फ्लोर के लिए रहेगा, अंदर लॉबी के अंदर ही रहेगा दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं हम बाहर ड्राइंग रूम में। तो ये ड्राइंग रूम रहेगा दोस्तों, जो कि 14 फिट बाई 12 फिट का ये ड्राइंग रूम रहेगा, आप देख रहे होंगे। इसमें हमने ये सोफा डाल रखा है, ये टेबल डली हुई है, और ये स्टूल लगा हुआ, और ये सामने वॉल पर टीवी लगा हुआ है दोस्तों। इसकी दोस्तों एक एंट्री ये बाहर से है, और ये ओपन आर्च दे रखी है जो कि लॉबी से एंट्री रहेगी इसकी। तो इस तरीके से हमने ड्राइंग रूम को डिजाइन किया दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं हम इस बेडरूम में, एक बेडरूम ये हमारा फ्रंट पर रहेगा। और दोस्तों ड्राइंग रूम का जो वेंटिलेशन रहेगा वो हमारा पार्किंग की तरफ ये विंडो दे रखी है, और ड्राइंग रूम की एक विंडो हमारे फ्रंट पर दे रखी है लॉन की तरफ दोस्तों। ये जो बेडरूम है हमारा, बेडरूम का साइज जो है वो 14 फिट बाई 12 फिट का रहेगा, जिसमें ये हमारा बेड डला हुआ है, और ये सामने टीवी लगा हुआ है। इसमें दोस्तों ये लॉबी से आने के लिए ये वाला गेट रहेगा, और बाहर से आने के लिए ये वाला गेट रहेगा। और ये दोस्तों ये हमने विंडो दे रखी है जो बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए रहेगी, जो कि हमने लॉन की तरफ दे रखी है बाहर की तरफ। अब दोस्तों चलते हैं हम किचन में। तो ये हमारा किचन रहेगा जो कि 9 फिट बाई 7 फिट 3 इंच रहेगा, जिसमें ये हमारी सिंक लगी हुई है और ये गैस लगी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमने किचन को डिजाइन किया। किचन का जो वेंटिलेशन रहेगा वो बाहर पार्किंग की तरफ रहेगा, ये हमारी विंडो लगी हुई है। और दोस्तों ये हमारा किचन में ये हमने गेट दे रखा है, ये हमारी ओपन किचन नहीं रहेगी, इसमें हमने गेट दे रखा है। अब दोस्तों चलते हैं हम पीछे बेडरूम की तरफ। अभी दोस्तों ये हमारे 2 बेडरूम है, एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम ये है। तो दोस्तों ये वाला जो इस बेडरूम में चलते हैं, ये एंट्री रहेगी, ये हमारा गेट लगा हुआ दोस्तों, 14 फिट बाई 11 फिट का ये बेडरूम रहेगा, जिसमें ये हमने वार्डरोब दे रखी है, आप देख रहे होंगे। और ये इसमें बेड डाल रखा है, और सामने टीवी लगा रखा है। और दोस्तों इसका जो वेंटिलेशन होगा इस ओपन से रहेगा, ये ओपन का साइज जो रहेगा वो 9 फिट बाई 6 फिट 1 इंच रहेगा, 9 फिट ऐसे रहेगा, 6 फिट 1 इंच ऐसे रहेगा। तो दोस्तों ये हमने विंडो दे रखी है बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए। अब दोस्तों चलते हैं हम ओपन में। तो ये हमारा ओपन रहेगा, ओपन में ये हमने एंट्री के लिए डबल डोर दे रखा है, जो कि करीब 4 फिट के करीब रहेगा, और डोर के साथ ही हमारे ये विंडो अटैच है जो कि लॉबी के वेंटिलेशन के लिए रहेंगी। और दोस्तों ओपन में ही हमने ये WC दे रखी है, और बाथ दे रखा है, ये नहाने का एरिया रहेगा दोस्तों, और ये हमारी सीट एरिया रहेगा जिसमें हमारी सीट रखी जाएगी दोस्तों। और ये हमने वॉश बेसिन दे रखा है, ये वॉशिंग मशीन रखी हुई है इस तरीके से, और ये जो WC और बाथ रहेगा
वो तीनों बेडरूम वाले और डॉर्म रूम वाला बंदा भी इसी को यूज करेगा। हमने एक ही टॉयलेट और वो WC दिया और एक ही बात दिया है दोस्तों इसमें। अब दोस्तों चलते हैं इस बेडरूम में। ये बेडरूम रहेगा 14 फिट बाई 11 फिट का, 14 फिट ऐसे और 11 फिट ऐसे। दोस्तों ये हमारा बेड रहेगा और ये हमारे सामने TV लगा हुआ है बेड के। और दोस्तों ये हमने वार्डरोब दे रखी है, आप देख रहे होंगे। और इसका जो वेंटिलेशन होगा ये विंडो दे रखी है, ये ओपन की तरफ से होगा। तो दोस्तों हमने इस तरीके से इस प्लान को डिजाइन किया है, आप देख रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।